तो स्वागत आपका आपकी अगली और बहुत ही अच्छी क्लास बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज है क्या? देखो, आप इस टाइम घर में पड़े हुए हो तो आपको मम्मी बहुत ताने देती होगी। आई थिंक मेरे को तो मेरी मम्मी बहुत देती है। दुनियादारी सीख क्या? ये दुनियादारी क्या है? तो आज आप बिजनेस पढ़ने के बाद मम्मी को जाके सीना ठोक के ऐसा बोलना कि हाँ मम्मी मैं दुनियादारी पढ़ के आ रहा हूँ, ऐसा लेम जोक था। हाँ, तो बिजनेस में आप सीखते क्या हो? व्हाट इज बिजनेस स्टडीज अबाउट? देखो, बिजनेस स्टडीज आपको सिखाती है दुनियादारी। दुनियादारी में पैसा कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों आता है, क्या करें जो आता है। तो हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन एक्टिविटीज, व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज होती क्या है? देखो, हर एक ह्यूमन कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है अपनी जीवनी चलाने के लिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। हर एक ह्यूमन कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। अब एक्टिविटीज कैसे कर रहा है? सपोज करो आप फोन चला रहे हो, आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपके पापा पैसे कमा के ला रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। हम सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमें पैसा मिलता है या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आपको फोन चलाने से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे पढ़ाने से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। पैसा तो कोई दे नहीं रहा ना। देखो, एनी एक्टिविटी दैट ह्यूमन बींग परफॉर्म, ऐसी एक्टिविटी जो कि कोई ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है, क्यों? टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कि एक ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है, ह्यूमन बींग करता है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने बताया, रिक्वायरमेंट्स सबकी अलग अलग होती हैं। आपके पापा की रिक्वायरमेंट घर चलाना, तो वो एक्टिविटी कैसी करेंगे? पैसों से रिलेटेड, पैसों वाली। जबकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पबजी खेलना, तो आप कैसी एक्टिविटी करोगे? फोन चलाने वाली, मेंटल सेटिस्फेक्शन की। तो इससे एक बात समझ में आती है कि एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। या तो आप मेंटली सेटिस्फेक्शन ले लो या तो आप पैसा कमा लो। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता हूं फटाफट से। ये चीज देखो, ह्यूमन एक्टिविटी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो आप पैसा कमाओ या तो आप मेंटल सेटिस्फेक्शन दो। अब पैसा कमाओ और मेंटल सेटिस्फेक्शन दो, आप बाहर जाके ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इसको हम एक टेक्निकल लुक देने के लिए, एक बहुत प्यार सा लुक देने के लिए एक नाम दे देते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने में काम आए, वो कौन सी होंगी? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर जैसे कि आप करते हो पबजी खेल के, वो सारी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटली सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो ये एक्टिविटीज आपके बहुत काम आने वाली हैं, इसीलिए इनको थोड़ा और फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेरे एक चुटकी से। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये क्या होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो थोड़ा और क्लासिफाई कर लेते हैं। देखिए, ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट। मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव ये है कि उन्हें पैसा कमाना है। क्या? जिनका मेन मोटिव ये है कि उन्हें पैसा कमाना है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में। अब जैसे एग्जांपल हो गया बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को खरीदना और बेचना, या फिर डूइंग ए जॉब। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पैसा कितने तरीकों से कमाया जा सकता है? क्या कह रहे हो, तरीके तो बहुत सारे हैं। हाँ, पर उन सारे तरीकों को एक बहुत प्रिसाइज फॉर्म में लिख दिया गया है, जिनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला, आप पैसा कमा सकते हो बिजनेस करके। दूसरा, आप पैसा कमा सकते हो किसी प्रोफेशन में। और तीसरा, आप पैसा कमा सकते हो एम्प्लॉयमेंट में। देखो, एक ओवरव्यू देता हूं आपको, व्हाट इज बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, जिसमें आपको बिजनेस करना है। प्रोफेशन, जिसमें प्रोफेशन में कौन आते हैं? सी ए, सी एस, लॉयर्स। और एम्प्लॉयमेंट, नॉर्मल सैलरी बेस्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, एम्प्लॉय कहलाता है। अब आगे और इनको थोड़ा और अंदर से क्लासिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, लेट्स क्लासिफाई देम। अब बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस।
एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। किस पे? रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे क्या हुआ जा रहा है? प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। रेगुलर बेसिस पे क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू, अर्न प्रॉफिट, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रही है, किस लिए हो रही है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और कैसे हो रही है? या तो आप कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर अपनी गुड्स, अपने सामान को या फिर अपनी सर्विस को बेच रहे हो। देखो, आप जब अपने सामान या सर्विस को रेगुलर बेसिस पे बेचते हो ना, तो उसको हम बिजनेस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो गुड्स में क्या आएगा, सपोज करो आपने कोई गुड बनाया है, कोई मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है, वो सब गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे सपोज आपने फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करी है। किसकी? फाइनेंस की, मतलब आप पैसे, लोगों को पैसा उधार दे रहे हो। एग्जाम्पल हो गया माइनिंग, आप जब माइनिंग करते हो तो एक बिजनेस की कैटेगरी में आता है। दूसरा, प्रोड्यूसिंग वीट, आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो क्योंकि आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन, वो किस में आता है? आपका बिजनेस में। अब देखते हैं व्हाट इज प्रोफेशन। तो ऐसी एक्टिविटीज जो जिनको जरूरत है, रिक्वायर्स किसकी? स्पेशल नॉलेज या फिर किसी स्किल की। किसकी? स्पेशल नॉलेज और स्किल इन द ऑक्यूपेशन, अपना काम करने के लिए जब मुझे किसी भी स्पेशल नॉलेज या किसी स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, वो किस में कंसिडर किया जाता है? प्रोफेशन में। ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, लॉयर या फिर शेफ। अच्छा, देखो बिजनेस और प्रोफेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कैसे? देखो, आप जब भी प्रोफेशन में एंटर कर दो, तब आप भी, आपने भी देखा होगा कई बड़े बड़े लॉयर जो बिजनेस कर रहे हैं, कई बड़े बड़े CA जो कि बहुत सारी फॉर्म्स खोल के बैठे हुए हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका भी तो बिजनेस है, उनका प्रोफेशन कैसे हो जाएगा? देखो, प्रोफेशन और बिजनेस में यही फर्क है कि बिजनेस बिना किसी नॉलेज के हो सकता है। कोई स्पेशल नॉलेज हमें नहीं चाहिए, स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, जबकि प्रोफेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है कि आपको स्पेशल नॉलेज या स्किल्स चाहिए होगी, तभी वो एक प्रोफेशन की कैटेगरी में आएगा और बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। अब रुक करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ कि उनका क्या हाल है। तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय जिसमें पीपल, जो आदमी लोग हैं, जो आदमी एक्चुअली औरत भी, जो पीपल्स हैं वो किसके लिए वर्क करते हैं? वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है? रिम्यूनरेशन। ओ बेटे की जान, ये क्या वर्ड आ गया, रिम्यूनरेशन। देखो, इस वर्ड को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सैलरी या फिर वेजेस से रिलेट करता है, मतलब एंड पीपल गेट्स सैलरी और वेजेस इन रिटर्न। ठीक है, रिम्यूनरेशन को हम सैलरी और वेजेस से कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल में आप क्या क्या ले सकते हैं बताइए। देखो, जैसे जो हो गए छोटे मोटे वर्कर्स हो गए, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय हो गया किसी भी फॉर्म का, वो सब किस में आएंगे? एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, क्योंकि वो सैलरी बेसिस ऑक्यूपेशन है। ऐसे सारे ऑक्यूपेशन जो कि सैलरी बेसिस होते हैं वो सारे एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, इन तीन तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब रुक करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ऐसी एक्टिविटीज हुज एम इज नॉट, जिनका एम क्या नहीं है? टू अर्न प्रॉफिट, मतलब इनका कोई काम प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, बल्कि लेकिन क्या है? टू सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करना है? सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स, मतलब सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल नीड्स को जब आप सेटिस्फाई करते हैं, तब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। जैसे आप पबजी खेले, ठीक है, तो पबजी आपने अपनी नीड के लिए खेला,
ठीक है, अपनी साइकोलॉजी मतलब अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए खेला। बट यही अगर मैं बात करता हूं डायनामो की, तो डायनामो अगर खेलता है पबजी तो पैसा कमाने के लिए खेलता है। इसलिए जो डायनामो के लिए ये पबजी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। पर आपके लिए पबजी खेलना सिर्फ एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि आप उससे अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, ना कि कोई पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो लव, तो लव में किया गया कोई भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता। तो इसी के साथ आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक छोटा सा डिफरेंस खत्म हो चुका है, और आपकी बिजनेस की पहली क्लास होप सो ठीक रही हो। इसके बाद हम एक छोटा सा डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, तो मैं इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, तो आप भी इसको इंपॉर्टेंट लेके चलें, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है। तो डिस्कस करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहला इसकी डेफिनेशन, दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज जिनका एम नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना। दूसरा पॉइंट, इनका मेन एम क्या होता है, टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इनका मेन एम होता है आप गुड्स और सर्विसेज को जनरेट करना। किसके लिए जनरेट करना, क्यों जनरेट करना, टू अर्न प्रॉफिट। जबकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव मेंटल सेटिस्फेक्शन, मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चले हम, तो पीपल वर्किंग फैक्ट्रीज, मतलब ऐसे पीपल जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं वो सब क्या होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे। अच्छा, कौन सी कैटेगरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की कौन सी कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये क्या होगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। पर कौन सी कैटेगरी की, बिजनेस। ठीक है, यही अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो हाउसवाइफ इज कुकिंग, एक हाउसवाइफ घर में खाना बना रही है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसका मेन एम है घर के लोगों की भूख को मिटाना, ना कि पैसा कमाना। जबकि और एक दूसरा पॉइंट है, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई छोटे भाई को ट्रेन कर रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को ट्रेन कर रहा है घर पर, ये क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बड़े भाई का भी मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, मारना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।